Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So, बहुत बार आपने कोई अपने सीनियर से या फिर खुद का एक्सपीरियंस होगा कि एक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स का इंटरव्यू देख के आए हो, सवाल तो सॉल्व कर लियो, बट तब भी रिजेक्शन मेल आ गया. तो कभी आपने सोचा है कि आप क्यों रिजेक्ट होते हो? तो आज के वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो जनरली एज अ फ्रेशर आप गलती करते हो एक डीएस एल्गो के इंटरव्यू में, जिस वजह से आप सवाल तो सॉल्व कर लेते हो बट तब भी आप रिजेक्ट हो जाते हो. तो इस वीडियो को एंड तक देखना सो दैट आपको पांच चीजें पता चल जाए जो कि आपको नहीं करना चाहिए अगर आप एक डीएस एल्गो का इंटरव्यू दे रहे हो. तो इंतजार किस चीज का हो रहा है, शुरू करते हैं. सो आपको क्या लगता है, मतलब एक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का इंटरव्यू होता कैसे? कि इंटरव्यूअर ने आपको सवाल पूछा, आपने सॉल्व कर दिया एंड आप क्लियर कर देते हो इंटरव्यू? नहीं, ऐसा नहीं होता. वो एक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक देता है कि आपका कोड क्वालिटी कैसा था, आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसा था, आपका स्पीड कैसा था, सबके ऊपर वो फीडबैक देता है. एंड उस फीडबैक को जज करके आपको रिजेक्ट या फिर नेक्स्ट राउंड या फिर एक्सेप्ट जो भी है आपको किया जाता है. तो मेक श्योर करना है कि मैं जो पांच पॉइंट्स बोल रहा हूँ उस पर बहुत फोकस करो जब भी आप एक डीएस एल्गो का इंटरव्यू दे रहे हो. तो पहला पॉइंट पे आते हैं, Not defining global variables, right? As a competitive programmer, अगर आप code forces करते हो, आप code shift करते हो, सबको आदत है कि मैं हर चीज globally declare करूं. अगर आप data से algorithms का interview दे रहे हो कोई भी product based company पे या फिर कहीं पे भी, ये वाला आदत को आपको limit करना होगा. हाँ, make sure करो कि कोई भी global variable आप declare ना करो. Everything, be it an array, be it a size of the array, be it a 2D matrix, anything that you are using, it should be passed using a parameter. That is the first thing that you should take care while you are writing a code in an DS Algo interview. Now, the second most important thing. Now, when you are given a problem statement, you start thinking of a solution, right? That is okay. But बहुत बार क्या होता है, आप एक ऐसा solution सोचते हो जिसमें आपको जो data दिया हुआ है ना, let's say आपको एक array दिया हुआ है, आप उस array को modify करके solve करते हो, मतलब solution लाते हो. ये चीज नहीं करना है. लाइक बहुत सारे केसेस में होगा कि बिना मॉडिफाई करे ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलता है, लेकिन ऐसे मैंने बहुत केसेस देखे हैं प्रॉब्लम्स में जहां की मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं. एक सॉल्यूशन होता है जहां की जो डेटा आपको दिया हुआ है, लेट्स से एरे जो दिया हुआ है उसको मॉडिफाई करके आप सॉल्यूशन बना सकते हो. एंड उसी का सिमिलर कॉम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन है जहां बिना डेटा को मॉडिफाई किए भी आप आंसर कर सकते हो ऑप्टिमली. तो अगर ऐसे केसेस है तो मेक श्योर करना है कि वो सोल्यूशन आप प्रपोज ना करें जहां पे आप डेटा मॉडिफाई कर रहे हो. दिस इज अ वेरी वेरी बिग नेगेटिव इन एन इंटरव्यू. अगर आप डेटा लाइक व्हिचएवर इज योर गिवन डेटा जिसपे आपको काम करना है, आप उसको मॉडिफाई करके सोल्यूशन बनाते हो. सो सेकंड पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू. इफ देयर एग्जिस्ट मल्टीपल सोल्यूशन विद सेम कॉम्प्लेक्सिटी, यू विल नेवर प्रपोज द सोल्यूशन विच मॉडिफाइज और ऑल्टर्स द डेटा दैट इज गिवन टू यू. Now coming to the third most important point, which is modularizing code and using object-oriented programming. Now most of the freshers क्या करते हैं, जब भी question मिलता है data structure algorithm का, वो solve करके दे देते हैं. तो पहला point मैं बोलना चाहूंगा कि जब आप solve करके देते हो, let's say कोई line of code है जो repeat हो रहा है बार-बार, तो उसको function में डालने की कोशिश करो, जो कि बहुत लोग नहीं करते हैं. तो आप सोच रहे हो कि हाँ मैं तो function में डाल देता हूँ, लेकिन जो second point मैं बताने वाला हूँ इन यूजिंग द क्लास कॉन्सेप्ट, वो पक्का से आप नहीं करते होगे. तो बहुत बार जब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स का इंटरव्यू होता है, इंटरव्यूअर उधर ही ट्राई करता है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी टेस्ट कर ले. वो एक्सक्लूसिवली आपसे पूछेगा नहीं कि आप क्लास बताओ, इनहेरिटेंस बताओ, ये सब आपसे नहीं पूछने वाला. वो क्या करता है, वो आपको एक कोड देता है जहां मल्टीपल यूसेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स है. फॉर एन एग्जांपल, एक सवाल मैंने दिया है जहां आपको दो सेगमेंट्री लगता है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आप दो सेगमेंट्री अलग से बनाओगे, आप दो बिल्ड कोड लिखोगे उसका, आप दो रेंज क्वेरी लिखोगे, एक अलग दो अलग से अपडेट लिखोगे. तो इंटरव्यूअर को चाहिए कि आप एक ही क्लास में एक ही सेगमेंट्री का एक ही बिल्ड कोड, एक ही रेंज कोड लिखो, एक ही अपडेट कोड लिखो एंड उसका ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बना के उसको दो बार यूज करो. सो इंटरव्यूअर को उधर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेस्ट करना होता है, बट आप क्या करते हो, आप दो सेगमेंट्री बना देते हो एंड आप सॉल्व करके आ जाते हो. तो उधर एक नेगेटिव चला जाता है कि जो कोड का क्वालिटी है आपका अच्छा नहीं है एंड इसके चलते भी आप रिजेक्ट हो सकते हो. सो जो थर्ड पॉइंट समराइज मैं करता हूं, अगर रिपीटेटिव लाइंस ऑफ कोड है फंक्शन में डालना है, भले ही जितने भी फंक्शंस हो. सेकंड चीज, अगर सेम डेटा स्ट्रक्चर बहुत बार यूज कर रहे हो, मतलब मल्टीपल लाइक सेगमेंट्री वन सेगमेंट्री टू यूज कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ कर रहे हो, तो मेक श्योर करो उसको क्लास में डाल के उसके ऑब्जेक्ट्स को यूज करना है. सो अभी इंटरव्यूज के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो लिंक्डइन के जो टॉप 10 स्टार्टअप्स है या फिर जो इंडिया के 5 यूनिकॉर्न कंपनीज है, कंपनीज लाइक अपग्रेड, रेजोपे, अर्बन कंपनी, क्रेड, येलो मैसेंजर, 1MG, डिजिट इंश्योरेंस, ये सारे कंपनीज में यार सबको काम करने का मन करता है कि नहीं? बट ये सारे कंपनीज जनरली जो हायरिंग करती है दैट इज फ्रॉम टायर 1 या फिर IIMs हो गए या फिर IITs हो गए, इधर से जाके
हायर करती। सो वाया ऑफ कैंपस आप ये सब स्टार्टअप्स पे कैसे काम कर सकते हो? तो यहाँ काम करने के लिए आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। सो रेलेवल एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप टेस्ट दे सकते हो, एंड आप टेस्ट दोगे तो आपको एक रेलेवल स्कोर मिलेगा, एंड उस स्कोर से लेके आप ये सारे कंपनीज उनके प्लेटफॉर्म पे है तो आप उधर इजिली अप्लाई कर सकते हो। एंड एक बार आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गया उसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, एंड इंटरव्यू होने के बाद अगर आप क्लियर करते हो तो आपको ये सारे इंडिया के स्टार्टअप्स में जॉब करने का मौका मिल सकता है। सो हाउ डू अपीयर फॉर दीज टेस्ट? सो इन ऑर्डर टू अपीयर फॉर दीज टेस्ट यू हैव टू गो टू relevel.com एंड उधर जाके आपको रजिस्टर करना है। सो द रजिस्ट्रेशन चार्जेस आर 1999, एंड इफ यू वांट टू गेट एक्सक्लूसिव 10% डिस्काउंट यू कैन यूज द कूपन कोड टेक यू फॉरवर्ड। सो आप जाके रजिस्टर कर लो। वंस यू हैव रजिस्टर्ड यू कैन इजिली बुक योर स्लॉट्स, एंड अकॉर्डिंग टू योर स्लॉट्स यू कैन गिव द एंटायर टेस्ट। So once you have given the test, you will get a test score, and with the help of that, you can definitely apply on this. And you can also create a profile which looks something like this. So guys, I'll be leaving all the links in the description. Please make sure you do check it out. So aate hain abhi fourth point pe. To bahut baar aisa hota hai ki aisa ek problem jo aapne ek mahina pehle, do mahina pehle, teen mahina pehle kara hai, wahi problem interview mein aa gaya. To kya aapko interviewer ko bata dena chahiye ki aapko aata hai? Kya aapko turant solution de dena chahiye? Aapko karna kya chahiye? Dekho. एक हो सकता है आप ऑनेस्ट हो जाओ एंड आप इंटरव्यू को बता दो कि आपने ये पहले से देखा हुआ है, बट दैट इज कम्प्लीटली ऑन यू इफ यू वांट टू डू दैट। एंड इफ यू डोंट वांट टू डू दैट तो फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। बहुत लोग नहीं बताना चाहते क्योंकि दे आर प्रिपेयर्ड, एंड अगर अभी क्वेश्चन सेम आ रहा है तो वाई टू वेस्ट दैट, तो बहुत लोग नहीं भी बोलेंगे। तो उस केस पे पहला बात तो यार मतलब ज्यादा कोई एक्सप्रेशन नहीं देना चाहिए आपको जो कि आप दे देते हो अनजाने में। सेकेंड चीज जो आप करते हो कि आपको क्वेश्चन पता है तो आप इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, लाइक आपको पता है क्वेश्चन क्या, आपको पता है टेस्ट केसेस क्या होगा, आंसर्स क्या होगा, आप इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, दैट इज वेरी रॉन्ग। तो उससे बहुत गलत इंप्रेशन जाता है। फॉलो द प्रोसीडियर, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने सुना, आप दो तीन टेस्ट केसेस अपना बनाओ, क्रॉस चेक करो कि क्या मैंने सही समझाया कि नहीं। अगर आप नॉर्मल प्रॉब्लम भी आपका आता है ना तो भी ये चीज करना चाहिए, दो तीन टेस्ट केसेस में क्रॉस वेरीफाई करो कि आपने क्वेश्चन सही समझाया कि नहीं। ठीक है, एक बार क्रॉस वेरीफाई आपने कर लिया उसके बाद क्या आपको ब्रूट तुरंत दे देना चाहिए फिर ऑप्टिमल देना चाहिए। मेक श्योर करो कि अगर ब्रूट छोटा सा है, लाइक आई जनरली डू दिस कि मैं इंटरव्यू को ऐसे बोलता हूँ कि सर दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग एज ब्रूट, ब्रूट तो आसान है ऐसे ऐसे कर लेंगे, लाइक मैं 30-45 सेकंड में उसको ब्रूट बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 5 मिनट वेस्ट करता हूँ, 30-45 सेकंड में उसको ब्रूट बता दूँ, वो खुद ही बोलेगा ऑप्टिमाइज करने, बट स्टार्ट ब्रूट से ही करना है एंड ज्यादा टाइम नहीं लेना है, उसके बाद आप ऑप्टिमल बताओ उसको। सो ऐसा नहीं कि सीधा ऑप्टिमल बता देना, एंड ऑप्टिमल के लिए थोड़ा टाइम ले सकते हो, एंड जब ऑप्टिमल सोच रहे हो थोड़ा सा स्पीक आउट करना है आपको। ठीक है, ये चीज आपको फोर्थ पॉइंट पे करना है। सो अभी आते हैं पांचवें पॉइंट पे जो कि आपको इंटरव्यू में मतलब मैंडेटरी है, ये अगर नहीं करोगे तो आप रिजेक्ट होने ही वाले हो। तो जनरली क्या होता है जब आप ऑप्टिमल सोल्यूशन दे देते हो तो इंटरव्यू बोलता है कि अब आप कोड करना शुरू कर दो। सो एक चीज तो है, मैंने बहुत लोगों को देखा है void फंक्शन, void ये, int ये, मतलब कोई मतलब ही नहीं होता उनके फंक्शन नेम्स का। सो ये चीज मेक श्योर करना है कि जो फंक्शन नेमिंग है इट शुड बी ऑन योर क्वेश्चन। ठीक है, एंड जो वेरिएबल नेमिंग है इट शुड बी रिप्रेजेंटिंग जो भी आप स्टोर कर रहे हो। अगर आप कुछ स्टोर कर रहे हो तो मेक श्योर की जो वेरिएबल नेम है इट शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट, एंड ऑलवेज मेक श्योर हर एक लाइन जब लिख रहे हो स्पीक आउट। ठीक है, तो आपने कोड लिख दिया तो आपको क्या उसको बोल देना चाहिए कि येलो कोड आप तब चेक कर लो? नहीं, आपको बोलना चाहिए कि मेरा कोड रेडी है, कोड ये नहीं है। आपको क्या बोलना चाहिए? मेरा कोड रेडी है ना, आई विल एक्सप्लेन यू। फिर आप उसको एक एग्जाम्पल लो, एंड एग्जाम्पल कोई रैंडम नहीं लेना होता है। आप बहुत सारे एच केसेस सोचते हो ना दिमाग में जब आप ऑप्टिमल देते हो, एक एच केस उठाओ एंड उसको बोलो कि दिस इज एन एच केस, एंड उस एच केस पे ड्राई रन करो। ठीक है, अगर वो बोलता है कोई और टेस्ट केस पे ड्राई रन करना आप कर सकते हो, बट मेक श्योर करो कि जनरली एच केस ही उसको बोलो क्योंकि ही विल बी इम्प्रेस्ड कि आपने एच केसेस सोचे हैं, एंड आप उस पर उसको पूरा ड्राई रन, स्टेप वन में ये होगा, स्टेप टू में ये होगा, स्टेप थ्री में ये होगा, पूरा ड्राई रन करो। एक बार ये हो जाए फिर आप बोलो कि हाँ आई एम डन फ्रॉम माई साइड। जनरली फास्ट नहीं होना है कि कोड लिख दिया डन नहीं बोलना है, ड्राई रन के बाद ही डन बोलना है। सो ये पांच चीजें आपको मेंटेन करनी है व्हेन यू आर गिविंग अ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स इंटरव्यू। जस्ट डोंट गो एंड गिव द इंटरव्यू, मेक श्योर यू आर परफेक्ट सो दैट जब वो फीडबैक फॉर्म भरे ना इंटरव्यूअर, ही गिव्स फुल मार्क्स ऑन एवरी पॉइंट दैट दे आर गिविंग। बिकॉज ये नहीं होता, मतलब स्टार्टअप्स में होता है कि हाँ हायर कर लो नहीं हायर कर लो, बड़े कंपनीज में हायर कर लो नहीं हायर कर लो नहीं होता। उधर वो लोग पॉइंट्स देते हैं, सर्टन उनके होते हैं कैटेगरी जिधर वो पॉइंट्स देते हैं, टोटल उनके बेसिस पे एवरेज किया जाता है फिर आपको हायर या फिर नो हायर मिलता है जनरली। सो इसीलिए आपको कोड क्वालिटी, कोड स्पीड सब कुछ पे फोकस करना है जब भी आप इंटरव्यू दो। सो आई होप आपको पांच वो गलती पता चल गया जो आपको इंटरव्यू में करना नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब इंटरव्यू दो तो मेक श्योर करो कि मेरे पॉइंट्स को याद रखना एंड इंटरव्यू में उसको इंप्लीमेंट कर लेना। ठीक है, सो अगर यहां तक वीडियो देख लिया है
तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर मेरे दूसरे चैनल को चेकआउट नहीं किया है तो उसको चेकआउट कर लो, एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना। इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम।